कलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग लाइट चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर कि मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस है और 7 और 8 दोनों में ये चैप्टर कंबाइन है। ओके, मैं दोनों क्लास को हाई लेवल तक पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर डिस्कस कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है कि कितने तरीके का होता है, उस पर हम बात करते हैं। मैंने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला होता है स्टूडेंट्स रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस पर हमने डिस्कस कर दिया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन आइए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज पर, है ना। तो इमेज क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए इमेज क्या होता है, ठीक है। इमेज आर फॉर्म व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट, है ना, या एक्चुअली या पार्शियली, है ना, यानी या तो एग्जैक्ट आके मिल जाए या उसे पार्शियली मिलाया जा सके, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, उस इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे देखिए कि जब दो लाइट रेज किसी मिरर पर आएगी, उससे रिफ्लेक्ट होकर के जब आपस में कहीं पर मिल जाएगी, तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज जो होता है स्टूडेंट्स, वो दो तरीके का होता है। एक होता है रियल इमेज ना, जो किस पे बनता है, स्क्रीन पर, है ना, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल जो स्क्रीन पर नहीं बनता है, इनसाइड स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर बनता है, ठीक है, जो स्क्रीन के अंदर बनता है उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका, जब आप अपने आप को देखने के लिए जाते हो मिरर में, प्लेन मिरर में, वहां कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। मूवी वगैरह देखने जाते हैं आप, स्क्रीन पे बनता है ना, वो क्या है, रियल इमेज होता है। तो इमेज आप पढ़ लिए। नेक्स्ट वन स्टूडेंट आइए, अब हम लोग, हमने कहा था आपको कि मिरर जो होता है स्टूडेंट, वो दो तरीके का होता है। मिरर दो तरीके का होता है, इस पर अभी हमने बात कर लिया था, एक प्लेन मिरर और एक कनके और एक स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर जिस पर हमने डिस्कस कर लिया था, दूसरा होता है स्टूडेंट कर्व मिरर। क्या होता है, कर्व मिरर, है ना, कर्व मिरर। कर्व मिरर जो होता है स्टूडेंट, वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपको कॉनकेव, है ना, कॉनकेव मिरर, जो कि ऐसा होता है, और दूसरा होता है स्टूडेंट आपको कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो कि ऐसा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉनकेव और कन्वेक्स, आइए अब हम बात करते हैं कंकेव और कन्वेक्स पर इमेज कैसे बनेगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं। कंकेव मिरर पर स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बात करें अभी कंकेव मिरर की, किसकी, कंकेव मिरर की, ये जो है स्टूडेंट्स आपका कंकेव मिरर है, ठीक है। और कंकेव मिरर का जो एकदम पूरा एकदम सेंटर वाला पॉइंट जो होता है, एकदम बीच वाला पॉइंट, इसको कहते हैं स्टूडेंट पोल। क्या कहते हैं, पोल, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मिरर के एकदम सेंटर को अपन क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। जो लाइन पोल से पास करती है बिल्कुल सीधे, है ना स्टूडेंट, पोल से जो सीधे पास करती है ये लाइन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हो गया स्टूडेंट, इसको M नाम दो, इसको M डैश, M और M डैश जो हो गया, इसे कहते हैं अपर्चर, अपर्चर, ठीक है, ठीक है, अपर्चर। अब नेक्स्ट वन होता है स्टूडेंट्स क्या, कि ये तो आपका मिरर है, इस मिरर पर एक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स फोकस। क्या होता है, फोकस, फोकस क्या होता है स्टूडेंट, कि फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है ना,
कंकेव मिरर पर फोकस को डिफाइन करें, तो कंकेव मिरर पर फोकस क्या स्टैंड, कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक क्या है पॉइंट है ना, जिस कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जहाँ लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। एक होता है स्टैंड यहाँ पर सेंटर ऑफ कार्वेचर, क्या होता है सेंटर ऑफ कार्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सेंटर ऑफ कार्वेचर किसे कहते हैं, कि ये जो कंकेव मिरर है ये जिस स्फेयर का पार्ट है, सपोज है कि ये वाला स्फेयर है कोई और इस स्फेयर को काट करके कंकेव मिरर निकाला गया है, तो ये कंकेव मिरर इस स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर के सेंटर को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कार्वेचर कहेंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। तो पोल क्या हो गया, मिरर के सेंटर को पोल कहेंगे, पोल से जो लाइन पास करेगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होगा यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रेस कंकेव मिरर पर आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद जहां जिस पॉइंट को कट करेगी या जिस पॉइंट से पास करेगी उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्व मिरर या कंकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। तो आइए जब इतनी चीजें समझ गए हैं तो आते हैं हम लोग कुछ रूल और रेगुलेशंस को पढ़ते हैं, है ना स्टूडेंट्स। कंकेव मिरर पर इमेज बनाने का कुछ तरीका हम लोग जान लेते हैं जो हमारे लिए काफी जरूरी होगा। स्टूडेंट कंकेव मिरर पर इमेज बनाने के कुछ रूल्स हैं जिसे हमें जानना होगा। सबसे पहला रूल क्या है, सपोज स्टूडेंट ये आपका कंकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये पोल होगा, है ना, ये फोकस है आपका, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर स्टूडेंट लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा कहाँ, कंकेव मिरर पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो जो लाइट रेस आती है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं इंसिडेंट रे, है ना। क्या होगा स्टूडेंट, कि टकरा करके से अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, कहाँ से, फोकस से देखो पास करेगी, है ना। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल होता है स्टूडेंट्स, यही आपका कंकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये पोल होगा, है ना, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरा रूल ये कहता है स्टूडेंट, अगर लाइट रेस फोकस से होता हुआ मिरर पर जाएगा, फोकस से होता हुआ मिरर पर जाएगा, है ना, फोकस से होता हुआ मिरर पर गया तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से वापस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस होगा, ये दूसरा रूल हो गया, ठीक है। अगर लाइट रेस क्या होगा स्टूडेंट, फोकस से होता हुआ मिरर पर जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये दूसरा रूल हो गया। आइए स्टूडेंट तीसरा रूल अपन पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या होता है स्टूडेंट, आपका कंकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हुआ, लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हुआ मिरर पर जाएगा तो जैसे आया था वैसा ही वापस चला जाएगा, ये तीसरा रूल है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हुआ अगर लाइट रे अगर कंकेव मिरर पर आएगा तो उसी से वापस भी हो जाएगा, तीसरा रूल था। चौथा रूल आएगा, दिस इज योर कंकेव मिरर, है ना, दिस इज योर पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे डिस्टेंस डायरेक्ट पोल पर जाएगा, है ना, डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल पोल पर जाएगा कंकेव मिरर के जितने एंगल से जाएगा उतना ही एंगल से वापस हो जाएगा, ठीक है। ये चार रूल है स्टूडेंट। पहला क्या है कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंकेव मिरर पर आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। दूसरा ये है कि अगर लाइट रेस डायरेक्ट फोकस होता हुआ कंकेव मिरर पर आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तीसरा ये है कि अगर लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हुआ मिरर पर आएगा तो वैसा ही वापस हो जाएगा। चौथा ये है कि अगर लाइट रेस पोल पर आएगा तो जितने एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के आएगा उतना ही एंगल से वापस हो जाएगा। ये चार रूल है स्टूडेंट।
चारों रूप को ध्यान में रख करके हमें क्या करना है, इमेज बनानी है कंकेव मिरर की, कंकेव मिरर की इमेज बनानी है। आइए कंकेव मिरर की इमेज बनाते हैं। पहले इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं कंकेव मिरर पर, ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसमें कहाँ, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है ना, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा इन्फिनिटी है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा आइए देखते हैं, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इस पर भी बात करेंगे। हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, आइए इस पर बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टार्ट, इन्फिनिटी पर। देखिए ये रहा आपका कंकेव मिरर, ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सेंटर पॉइंट। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना, यानी बहुत दूर है, यानी इधर बहुत दूर, यहाँ से लाइट रेज ऐसे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप बताओ कहाँ से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, लोग फोकस से पास करेगा। दूसरी लाइट रेज इधर से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है ना, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा स्टूडेंट, तो पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी है ना, फोकस से पास करी। देखो मैंने कहा था इमेज कब बनेगा, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलेगा, तो ये और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, मिला कहाँ पर, देखो फोकस पर मिला, तो इमेज कहाँ बना, फोकस पर। यानी अगर कंकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ, बहुत दूर रखा हुआ है, तो फोकस कहाँ बनेगा, सॉरी इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, कहाँ बनेगा, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, देखो मिरर के सामने ना बन रहा है, मिरर पर है ना, तो नेचर कैसा होगा इसका, इरेक्ट रियल इमेज होगा, कैसा होगा कंकेव मिरर पर, कैसा होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा इमेज होगा, कैसा होगा। हाइट ऑफ इमेज, देखो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज काफ़ी पॉइंट साइज है ना, ये काफ़ी छोटा है ना, लिख लो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है ना, यानी काफ़ी छोटा होगा। बेटा आपसे कोई पूछ देगा कि अगर कंकेव मिरर पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो बताइए इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इमेज की हाइट कैसी होगी, तो ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटी होगी, ठीक है, ये पहला हो गया। आइए दूसरा हम लोग बात करते हैं सर, कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रख दें, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर रख दें, इमेज की पोजीशन क्या होगी, फिर वही बात नेचर क्या होगा, हाइट क्या होगा इमेज का, है ना, इमेज की हाइट। देखिए ये आपका हो गया कंकेव मिरर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टेट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। पहली लाइट रेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो कहाँ से पास करेगी बाबू, ने फोकस से पास करी है ना। दूसरी कहाँ से पास कराओगे, मान लो कि मैंने कहा फोकस से पास करा दो, क्योंकि रूल जो आपने पढ़ा है, तो कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मिला, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बना, यानी ऑब्जेक्ट अगर, देखो कंकेव मिरर पर अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कंकेव मिरर पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें कि वहीं पर इमेज बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिएगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। कैसा होगा नेचर में, कैसा होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। हाइट क्या होगा, सेम साइज द ऑब्जेक्ट है ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही होगा, सेम साइज द ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ओके स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट वन आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को है ना कहाँ रखा जाए,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ना। देखिए दिस इज योर कॉन्केव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दोनों पोजिशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से पास करेगी पहली पे, दूसरी अगर मान लीजिए कि फोकस पे जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, है ना। यानी कहाँ मिलेगा, बहुत आगे चल करके मिलेगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इसको याद रखना होगा। नेचर वही होगा, रियल इमेज होगा एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। हाइट कैसा होगा, तो ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा, है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा इमेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इंटर रहने लगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। ओके स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।